समाज के बड़े बूढ़े प्रेमी जी पाल, मैं आपको हार्दिक प्रणाम कर रहा हूँ। मैं जिनके साथ में आज हिंदुस्तान के ताकतवर नेता, भारत माता के ताकतवर मंत्री, नरेंद्र मोदी जी की सरकार मंत्री, मानवर श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी का ये चुनाव क्षेत्र है, वो भारत सरकार मंत्री है और सांसद का चुनाव वो लड़ रहे हैं। आपके पहले भी श्रीमंत थे, आज भी श्रीमंत थे, आगे भी रहेंगे। पिछली बार कोई गलती के कारण हमसे चूक हो गई और हमारे श्रीमंत जी यहाँ से निकल नहीं पाए थे, वो दुर्भाग्य था इस धरती का। ये 5 साल इस क्षेत्र का विकास रुका है और लोगों का जो विकास होना था वो नहीं हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करने के लिए आया हूँ, क्योंकि पाल बहुली ये बस्ती है और भी सब समाज के यहाँ सज्जन बैठे हैं। हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के उम्मीदवार हैं। आपसे निवेदन है कि इस बार पाल समाज के एक एक वोट और इस बस्ती के सभी समाजों के वोट आपके राखी बंधन होंगे और समाजों में गुरुभाई भी होंगे और समाजों में, और अड़ोसी पड़ोसी के नाते एक बस्ती का रिश्ता और नाता रहता है। उन सब से आप प्रार्थना करें कि 7 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और ये भारत माता का चुनाव है। भगवान श्री राम का नाम लेकर हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कमल की बटन दबाएं और हमारे नेता, आपके नेता, सम्मानीय नेता, यहाँ के विकास पुरुष और आपका जिनने कभी जीवन में नुकसान नहीं किया है, नेता बनते हैं नुकसान करते हैं, नेता बनते हैं जेल भिजवा देते हैं लोगों को, बेगुनाहों को, नेता बनते हैं जमीन जायदाद तो पे कब्जा करवा देते हैं। एक ही नेता है हिंदुस्तान में और इस क्षेत्र के सांसद, जो भावी सांसद भारत सरकार के मंत्री हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्होंने जीवन में किसी की जमीन जायदाद पे कब्जा नहीं करवाई, किसी नौजवान बुजुर्ग को जेल नहीं पहुंचवाया, किसी से एक पैसा नहीं लिया है। परंतु जो दूसरे लोग यहाँ से जीते हैं, निश्चित उनका आतंक रहा होगा, निश्चित गुंडाई रही होगी, उनके कार्यकाल में 5 साल में एक पैसा भी नहीं लगा। ये दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार होते हुए, अगर मेरे दुर्गापुर का विकास ना हो, मेरी कौम की बस्ती का विकास नहीं हो, ये मेरे लिए भी दुर्भाग्य और दुख की बात है, नीचे देखने वाली बात है। आया हूँ आपके बीच आपसे निवेदन करने के लिए। पाल समाज के जिला अध्यक्ष आए श्री सीताराम जी पाल साहब, ये बहुत पुराने नेता हैं, मैं उनके साथ में आया हूँ। देवी सिंह दादाजी मेरे बड़े भाई साहब हैं, उडवा वाले, उनके साथ में आया हूँ। तोरण सिंह भैया बैठे हैं, रामहित भैया जी बैठे हैं, और भैया हरचरण जी, इनका नाम का पतो क्यों राम जी रख लिया, हरचरण जी भैया बचपन के साथ ही है, वो मेरे साथ में बैठे हैं, और प्रेमी दादा, आपका नाम प्रेमी है, और नौजवानों जो यहाँ पर बैठे हैं, आप में शिकायत करने की ताकत पैदा होना चाहिए, आप में लड़ने की ताकत पैदा होना चाहिए। मैं भोपाल से नहीं आता, अगर यहाँ आप ताकतवर अपनी ताकत के साथ बात रखते तो यह खड़ंचा भी होता, आपका हैंडपम्प के बाद शौचालय भी नहीं बनता, पानी की व्यवस्था भी होती, राशन कार्ड भी बनते, बीपीएल कार्ड भी बनते, प्रधानमंत्री की जो मकान बनना चाहिए उस योजना का भी आपको लाभ मिलता, और आपको आयुष्मान कार्ड भी बनता, आपके सारे काम होते। आप चुप रहोगे तो कैसे काम होगा। मैं तो उस बेटी के चरण छू रहा हूँ कि वो इतनी दमदारी के साथ बोल रही थी, अपनी बातें रख रही थी। आप भी बात ताकत के साथ रखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप अपने हक की लड़ाई के लिए निश्चित आपकी बात रखें और आपको हक मिलना चाहिए। हम तो भिखारी है, हम तो झोली फैलाने के लिए आए भैया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, हम झोली फैला के आए माननीय भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम झोली फैलाने के लिए आए माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, और हम झोली फैलाने के लिए आए कि भारत माता ताकतवर बने। इसके लिए आपका एक एक वोट मेरे और आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए। मालूम है, आपसे निवेदन करने के लिए आए हूँ, सभी समाजों से निवेदन करने के लिए आए हूँ कि आप अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना।
कोई भी आए कितने ही समझाए, लालच दिए लोभ दिए, बिल्कुल मत मानना, क्योंकि आप देवी अहिल्याबाई होलकर के समाज के लोग, एक ईमानदार माँ थी, एक देश प्रेमी माँ थी, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली माँ थी, और हमेशा देवालयों का निर्माण करने वाली माँ थी, लोकप्रिय माँ थी। हमारा भी राज रहा है ज्योतिराज सिंधिया जी, यानी सिंधिया परिवार और होलकर परिवार के आपसी बहुत नाते रिश्ते गहरे थे। दो ही राजघराने मध्य प्रदेश में सबसे बड़े रहे, होलकर स्टेट और सिंधिया स्टेट। भाईचारे थी, याराना थी, दोस्ती थी और बहुत गहरे संबंध। जब भी ज्योतिराज सिंधिया जी पाल समाज की बस्ती में जाते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि मेरे तो आपके गहरे रिश्ते हैं, आज के नहीं पूर्वजों के साथ के हैं, मैं भी आपसे रिश्ता निभाऊंगा, आप भी मुझसे रिश्ता निभाना। उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका अमूल मत चाहिए, बाकी तो वो राजा है, देंगे इसे ही देने के लिए बैठे। लेने वाले आप हैं, देने वाले वो हैं, परंतु आपकी ताकत, आपका वोट, आप कमल के बटन दबाइए, ज्योतिराज सिंधिया जी को 7 तारीख को विजय श्री दिलाइए, 4 तारीख को यहाँ की पोलिंग बूथ की बेटी खुले तो कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, इस पोलिंग से 100% एक भी वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। काम की चिंता छोड़ना भाई, जिस दमदारी के साथ आप बात रख रही, इन सबसे प्रेमी दादा से भी कहना, जब गांव में जब बेटी की शादी हो तो मुझे भी बुला ली, क्यों देवी सिंह दादा बुलाना चाहिए, मर भैया पहले हरचरण भैया खबर होना चाहिए, मुझे देश में जाना पड़ता है, अभी रोटी रास्ते में खा के आया हूँ कोई से मांग के, अब मैं यहाँ के कह दूंगा रोटी बनाओ तो ये भाई ये भी कहेंगे नाश में तो वोट लेने आया तो रोटी खाने, आज भी जलाओ रोटी भी रोज घर वालों के लिए बनाओ, जाके भी लिए बनाओ, एक तो वोट भी दो रोटी बनाओ नहीं, पहले वोट दो, मैं आपके बीच में आऊँ, आपका काम माननीय सिंधिया जी से करवाऊँ, उनसे आग्रह करूँ, बस्ती में मेरे आने के बाद बहुत कुछ काम होगा, पक्का मान, ज्योतिराज सिंधिया जी जीत कराएंगे, बहुत कुछ काम होगा, आप मान के चलिए। आपने जो बात रखी भैया 100% तो भगवान ही कर सके, परंतु बहुत कुछ करवाने की ताकत मैं भी रखूँ, इसलिए भी रखूँ कि यहाँ मेरे कोकंदे जो परिवार है, मेरे ममियारो कोकंदे में है, सुनो भैया, मोरियों में एक भाई भी आया है, चंदेलों में एक भी आया है, और मैं फुलसिंगों में भी आया हूँ, ये हिरणबारी किए ना, मेरी बहन भी आई है, और एक रठोरियों में छोटा भाई भी आया, तो आप मेरे गोती भाई भी है, जाति भाई भी, और इससे उठ के हम सब भारत माता के लोग हैं, हम देश की चिंता करते हैं, मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं, दुर्गापुर की भी हम चिंता करेंगे, क्यों माँ दुर्गा के नाम पे जो बस्ती हो और उससे विकास नहीं हो ये ठीक नहीं, बिटिया जब अगली बार आऊँ तो और भी काम बताइयो, एक आध काम करेंगे तो नारियल तुम भी साथ फड़वाइए, भाई जो बैठी थी बुरा मत मानना पाल भाई हो, मर्यादा जरूर रखो, परंतु ये धूल में नहीं बैठना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसी मर्यादा किस काम की, बुरा मत मानना कि जो माँ बहन बैठी जिनकी कोख से हमने जन्म लिया वो आज भी जमीन पे बैठे और हम कुर्सी पे बैठे, माँ को सम्मान से बैठना चाहिए, पिता को सम्मान से बैठना चाहिए, बेटा बहुए नाती पोते सबको बैठना चाहिए, आज भी ये धूल में बैठेगा, ये राष्ट्रपति होती तो क्या धूल में बैठती, प्रधानमंत्री होती तो बैठती, सरपंच होती तो बैठती, विधायक होती तो बैठती, सांसद होती तो बैठती, नहीं बैठती क्यों, वो नेता बन गई फिर नीचे नहीं बैठेगी, हमारी मर्यादा नहीं जाएगी, नहीं नहीं ये दो भती बात नहीं होना चाहिए, मोदी जी मातृ शक्ति का बहुत सम्मान, अरे मेरी बात को सुनो, अरे अब तो मैं बात सुनो, मैं बैठने की बात कर रहा हूँ, अगली बार मैं आऊँ अगर ये नीचे बैठी तो मैं भी नीचे बैठू और तुम भी नीचे बैठो, इनके लिए दरी तो बिछनी चाहिए, ये माँ है, ये दुर्गा जगत जननी, ये भी जगत जननी, तो इनका सम्मान भी हमारे करता, बेटा कुर्सी पे माँ धूल में बैठे, पति कुर्सी पे पत्नी धूल में बैठे, पिता कुर्सी पे बेटी धूल में बैठे, नहीं भाइयों ये दो नीति नहीं चलेगी, मेरी आने के बाद अगर इनने तुम्हें कुछ बिछा के नहीं दिया तो मैं तो नीचे, एक बार मुझे जरूर बुलाना, मैं आपके काम में खड़े उतरने की कोशिश करूंगा, आप सिंधिया जी के लिए अपना एक एक वोट देना, भगवान राम जी के लिए एक एक वोट देना, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एक वोट देना, अभी आप यहीं पर बैठे, मेरी बात अच्छी लगी हो तो निश्चित मेरे साथ रहना, बुरी लगी काम हम करवा सकते, आप मुझसे जुड़े रहना, मेरा नंबर लिख लो 94250।